दोस्तों, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तरी। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज कौन बने। इसका आंसर है अरुण सुब्रमण्यन। नेक्स्ट है IAF में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं। इसका आंसर है शालिजा धामी। नेक्स्ट है फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं। इसका आंसर है गीता राणा। नेक्स्ट है किसने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। इसका आंसर है एस दुबे। नेक्स्ट है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा हाल ही में लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया गया है। इसका आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है। इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अ हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। इसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंचायतों में किसान संपर्क अभियान शुरू किया गया है। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं। इसका आंसर है बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आईआईटी के शून्य दल ने अमेरिका में आयोजित सोलर डिकैथलॉन प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसका आंसर है आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट है आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बन गए हैं। इसका आंसर है डेविड वार्नर। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय शहर जून में 2023 इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा। इसका आंसर है भुवनेश्वर। नेक्स्ट है किस प्रख्यात पार्श्व गायिका का हाल ही में निधन हो गया है। इसका आंसर है वाणी जयराम। नेक्स्ट है बॉलीवुड की किस दिग्गज एक्टर का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। इसका आंसर है जावेद खान अमरोही। नेक्स्ट है किस मशहूर क्लासिकल डांसर का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। इसका आंसर है कनक रेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की मिस यूनिवर्स फाइनलिस्ट सियाना वियर का 23 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस राज्य में मंडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया है। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच 10वां द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसे हम सिलीनेक्स 2023 भी कहते हैं इसका आयोजन किया गया है। इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना ने किस देश के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास शिन्यू मैत्री में भाग लिया। इसका आंसर है जापान। नेक्स्ट है भारत और किस देश की नौसेना ने 3 से 10 मई 2023 तक समन्वित पेट्रोल जिसे हम कॉर्पेट भी कहते हैं के 35वें संकरण का आयोजन किया। इसका आंसर है थाईलैंड। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसे हम PFFC भी कहते हैं लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMG कौन बनी है। इसका आंसर है परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है MP पॉप।
एमी पॉप, जिसका आंसर है एमी पॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई, इसका आंसर है गीता राणा। नेक्स्ट है, आईएएफ में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है, इसका आंसर है शालिजा धामी। नेक्स्ट है, अल मोहद अल हिंदी 2023, अल मोहद अल हिंदी 23 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है, इसका आंसर है सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपार्श्व ASW अभ्यास सी ड्रैगन 2023 किस देश में आयोजित किया गया है, इसका आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर सेना और भारतीय सेना के बीच 6 से 13 मार्च तक अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन किया गया है, इसका आंसर है जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया है, इसका आंसर है फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसे हम PMFBY भी कहते हैं, योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, इसका आंसर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मिशन यूथ जिसे इनोवेशन श्रेणी के तहत उत्कृष्टता के लिए PM अवार्ड मिला, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है, इसका आंसर है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, जैसे महत्वपूर्ण डेज के बारे में, तो इसमें हम जानते हैं फर्स्टली 1 अगस्त को क्या मनाते हैं, इसका आंसर है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में भी मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे भी मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, इसका आंसर है कार्तिक सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, इसका आंसर क्या है, कार्तिक सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को अमेरिकी एयरफोर्स में सेना ब्रिगेडियर जनरल के रूप में नामित किया गया है, इसका आंसर है राजा जे चारी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की महिला मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है, इसका आंसर है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, एस बालचंद्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, इसका आंसर है वीणा से। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, इसका आंसर है नेपच्यून के। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था, इसका आंसर है बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में कर निर्धारण की सबसे पुरानी प्रणाली क्या थी, इसका आंसर है गल्ला भक्षी। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है, इसका आंसर है चार्ल्स कोरिया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई, इसका आंसर है 1985 ईस्वी में।